हेलो लर्नर्स, इंजीनियर्स और सारे के सारे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, वेरियस स्किल्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो ये दिवाली बहुत कुछ हमने आप ही के लिए रखा है। एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल हमने लॉन्च कर दिया है, 5+5 टोटल 10 कोर्स का पूरा मॉड्यूल है और बहुत ही ज्यादा ऑफर प्राइस है दोस्तों। इससे सस्ता तो भाई पूरे इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और दोस्तों ये दिवाली आपकी सीखने वाली होगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टर वर्क कैलकुलेशन विथ एक्सेल शीट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि एक इंजीनियर को, अगर आप इंजीनियर हो डेफिनेटली, तो एक इंजीनियर को एक्सेल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। मुझे पता है ये बहुत सारे इंजीनियर्स को एक्सेल शीट का नॉलेज नहीं होता है, ये मुझे पता है, क्योंकि जो रास्तों से शायद तुम गुजर चुके होंगे वो रास्तों से मैं गुजर कर आया हूँ, तो मुझे पता है कि अब तुम बताओ यार, 4 साल में हम जब इंजीनियरिंग करते हैं तो कौन सा एक्सेल शीट का प्रोजेक्ट होता है, कोई काम होता है एक्सेल शीट का? नहीं होता। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं ना, तो भाई हमें बहुत सारे रेगुलर और डे टू डे टास्क, ये तो ठीक है प्लास्टर वर्क में आपको बता रहा हूँ, क्वांटिटी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, है ना, लेकिन बहुत सारे क्या बोलता था मैं, रेगुलर जो हमारे टास्क होते हैं और प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, कॉलेज में तो नहीं किया लेकिन रेगुलरली जो हमारे टास्क होते हैं उसमें एक्सेल शीट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, और बहुत अच्छा टूल है और बहुत बेसिक टूल है एक्सेल शीट, बहुत अच्छा और बहुत बेसिक टूल है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं समझा रहा, प्रॉब्लम है हमको एक्सेल शीट नहीं आता, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमको एक्सेल शीट नहीं आता, तो अब मैं 2 सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप अपने काम को देखो, जो भी जगह आप काम कर रहे हो, मैं यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ऑप्शन नहीं है, उनके लिए तो बस उनको सीखना है यार, और सीखने के लिए क्या करूँगे, सीखने के लिए देखो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे पास एक पर्सन है ऑफिस के अंदर, उनका एक्सेल शीट के अंदर, यानी उनको बेसिक एक्सेल के बारे में बहुत अच्छा पता है, वो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन हमारा जो भी कामकाज होता है, जो भी हमारा फाइनेंस वगैरह होता है, जो भी हमारा शेड्यूलिंग टास्किंग वगैरह होता है, वो सारा वही करते हैं एक्सेल शीट पे ही, सारा उनका पूरा दिन एक्सेल शीट पे ही काम होता है, तो वो बहुत माहिर है इस काम में बहुत माहिर है, यानी वो सिविल बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन इन जनरल एक्सेल शीट के काम में बहुत माहिर है, तो मैं उनसे कोशिश करूंगा कि वो कुछ सेशंस आपको दे, ऐसी मेरी कोशिश रहेंगी, तो मैं कुछ ऐसा मॉड्यूल बना दूंगा कि एक्सेल शीट लर्निंग, और फ्री में यार, मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला है ना, क्योंकि यार मैंने जो चार्ज करना था आपने जो चार्ज दे दिया बस उतना काफ़ी है, उसके बाद जो भी मैं इसमें ऐड करूंगा, और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी का यही फ़ायदा है कि जो भी मैं इसमें ऐड करूंगा मैं आपसे 1 रुपया आगे का चार्ज नहीं करूंगा, मैं आगे हम हमारी पूरी टीम, हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो, मैं खुद, हम सब मिलकर इसमें जो भी वैल्यू ऐड करने वाले कोर्स में, जिसको आपने लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ परचेज किया है, उसमें आपसे पूरी ज़िंदगी में कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, बस जो आपने एंट्री फ़ी दी है वही आपसे ली जाती है, उसके बाद कोई चार्ज नहीं लिया जाता इस पर्टिकुलर कोर्स में, कोई अलग कोर्स से तो ऑब्वियस बात है, अलग कोर्स का तो दूसरा चार्ज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कोर्स का आपको एक्सेस मिला तो वो आपका ही है सीखने के लिए, है ना, तो आप उससे पूरी ज़िंदगी पर फ़ायदा उठा सकते हो, और आगे जो भी अपडेट्स आएंगी तो वो आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये एक्सेल शीट वाला जो है वो मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश, ये नहीं तो और कोई, ठीक है, तो मैं मेरी तरफ से थोड़ा एक्सेल शीट का जो नॉलेज होना चाहिए वो प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ये डेटा एंट्री वाली काम बात नहीं कर रहा हूँ कि चलो पहली कॉलम में ये डेटा डाल दिया, दूसरी कॉलम में ये डेटा डाल दिया, तीसरी कॉलम में ये डेटा डाल दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो भाई चौथी वाले को भी शायद आ जाएगा फटाफट से, एक दो घंटे में ही आ जाएगा कैसे करना है क्या। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो अलग अलग पर्पसेस से एक्सेल शीट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ना, एक्सेल शीट के अलग अलग पर्पसेस होते हैं, उसमें फॉर्मूलास कैसे जनरेट किए जाते हैं,
ताकि आप वैल्यूज चेंज करो। हमारा एक मॉड्यूल है वर्कशीट, एक्सेल शीट वर्कशीट के नाम से, कंस्ट्रक्शन एक्सेल वर्कशीट, ये हमने टाइटल ऐसा कुछ टाइप का रखा है। और इसमें हमने सारी की सारी ऐसी एक्सेल शीट दी है, फॉर्मूला एक्सेल शीट, जिसमें आप अपनी वैल्यूज चेंज करोगे ना, आप वैल्यूज चेंज करोगे तो वैल्यूज चेंज करने के साथ नीचे उसका फाइनल रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, वो फॉर्मूला एक्सेल शीट। तो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो ये कि आप फॉर्मूला एक्सेल शीट बनाना सीख जाओ। ओके, वैल्यूज के अंदर चेंज करो तो रिजल्ट के अंदर चेंज हो। तो मैं कोशिश करूँगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगी आपको वो नॉलेज देने की, आपको वो स्किल प्रोवाइड करने की। और वो जो लोग स्टूडेंट हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने अच्छे सेशंस बनाए फ्री में ही। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार आपने ये जो पेमेंट कर दी उसके अलावा आपको और कहीं जगह पेमेंट करने की नीड नहीं है। अब एक्सेल शीट सीखने, बहुत सारे लोग एक्सेल शीट के कोर्स भी सेल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल इंजीनियर्स या कंस्ट्रक्शन फील्ड में है उनको जितना एक्सेल आना चाहिए वो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। और इसीलिए हम आपको इस हमारे मॉड्यूल में भी सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जो आपको यूट्यूब वगैरह है वहाँ से भी आपको कुछ प्लेलिस्ट अच्छी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। लेकिन कोई भी अलग से पेमेंट मत करना उसमें, जहाँ से हमें मत आना, कोई भी अलग से पेमेंट नहीं मत करना। बाकी चीज़ है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। एक्सेल शीट में चीज़ें प्रेजेंट करने से एक तरीके से क्लैरिफिकेशन बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। क्लैरिफिकेशन बोल दो या एक तरीके से रिपोर्ट बोल दो। अब यही चीज़ को अगर मैं पेज में लिखूं, प्लास्टर कैलकुलेशन हम पेज में भी कर सकते हैं ना भाई, फिर उसका जो भी है वो टेबल में पेज में बनाऊं, वो अब अनप्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, वो 11वीं 12वीं में आप करते थे या आप कॉलेज में थोड़ा बहुत ऐसा कर लिया आपने तो बात, लेकिन अब वो जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे जहाँ तुम्हारे लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पर तुम पेज लेकर जाओगे कि ये लो आपका एस्टिमेशन मैंने पेज में किया है, तो वो बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा ना, है ना। तो बढ़िया तरीके से काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो प्रोफेशनल टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। तो एस्टिमेशन में एक्सेल शीट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने यहाँ पर, चलो तो जो बातें इंपॉर्टेंट थी मुझे बताने जैसा, मुझे गाइडेंस जैसा हमने कर दी, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो, आप लोग सीखो यार, सीखो बेसिक थोड़ा बहुत तो सीख लो, फॉर्मूला एक्सेल शीट बनाना। यहाँ पर दोस्तों हमारा दो मेन फोकस होने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। पहला तो ये कि प्लास्टर वर्क कैलकुलेशन कैसे होता है, और दूसरा ये कि चलो कैलकुलेशन तो हो गया, उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ना एक्सेल शीट की मदद से, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है विथ एक्सेल। तो ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी है, और कोई भी काम आगे से हो जो पेड काम खास करके जिसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, तो उसको प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश करो, प्रोफेशनल टूल का इस्तेमाल करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपको प्लास्टर वर्क कैलकुलेशन कैसे होता है वो तो सीखना ही है, लेकिन एक्सेल में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो यार, प्लास्टर में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और हमारे पहले भी इसके ऊपर लेक्चर हो चुके हैं, बेसिक एक दीवार वगैरह हमने ली थी उसके ऊपर 10x10 की आई थिंक, उसके ऊपर प्लास्टर करना। तो सबसे पहले प्लास्टर वर्क में क्या होता है, एरिया। प्लास्टर वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक शो हो रहा है, छोटा सा प्यारा सा कमरा। तो ये जो छोटा सा प्यारा सा कमरा है भाई, 10x10 का ही लिया है हमने, उसमें हमारे पास एरिया कितना है पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एरिया है 10x10 का है, तो वॉल वन और वॉल टू, ठीक है, डिडक्शन थोड़ी देर के बाद करेंगे, सीलिंग को भी कंसिडर इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो वॉल वन ऐसी कितनी वॉल है भाई, चलो ये वॉल वन ले लेते हैं, तो वॉल वन दो है, नंबर ऑफ, ये प्रेजेंटेशन भी आ गया आपके साथ में, सभी को दिख रहा है ना क्लियर तरीके से भाई, ये प्रेजेंटेशन भी आ गया, नंबर कितने हैं वॉल वन के दो है, लेंथ कितनी है 10 फीट। ये यहाँ पर बहुत सारे अक्सर लोग गलती करते हैं कि आपको जो भी यूनिट लिखने हैं मेरे दोस्तों, आपको जो भी यूनिट लिखने हैं वो यहीं पर लिख देना है, जो भी यूनिट आपको लिखना है वो यहीं पर लिख देना है। 10x10 का रूम है, प्लास्टर क्वांटिटी निकालनी है, वॉल वन है हमारे पास, नंबर दो, लेंथ है 10 फीट, यहाँ पर हाइट है 10 फीट, ठीक है, हाइट भी 10 फीट रखिए, लेंथ भी 10 फीट रखिए। और क्योंकि ऑब्वियस बात है कि
इसमें हमारे लिए थिकनेस का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है ना, कितनी लंबाई हो और कितनी हाइट है, प्लास्टर वर्क में कितनी लंबाई है कितनी हाइट है, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, फिर थिकनेस ऑफ प्लास्टर तो कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो 10x10 का है, ऐसी दो है तो 200 स्क्वायर फीट हो जाएगी क्वांटिटी। प्रेजेंटेशन देखो यार, प्रेजेंटेशन देखो कि, और मैं ये हमारी उसमें भी अवेलेबल है, हाँ किसी को थोड़ा बहुत कट कुट के दिख रहा है तो भाई हमारी डिजिटल नोट्स में ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है, हमारे जो डिजिटल नोट्स है उसमें भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप फिर भी चाहो तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस इसमें कम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलो अभी थोड़ी देर के लिए ब्राइटनेस में थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये वाइट वाला पोर्शन आपको थोड़ा अच्छे से विजिबल रहे। वॉल टू की बात करें तो वो भी सेम ही है, एक चौरस तरीके से यानी स्क्वायर साइज में हमने बनाया है। सो 2 × 10/10 ये भी 200 स्क्वायर फीट हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर फीट। प्रेजेंटेशन देखो 400 स्क्वायर फीट हो जाएगा। सीलिंग वर्क की दोस्तों अगर हम बात करें, छत भी हम छत में भी प्लास्टर लगाना है भाई। अच्छा ये क्या काम आएगा भाई, एक रूम का अगर आपको आ गया, डायमेंशन तो चेंज होते रहेंगे वो बात में, भाई कहीं पर कितना भी प्लास्टर करना हो ना प्रोसीजर सेम रहेगी। ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए ताकि सभी को आराम से इजीली तरीके से समझा। फिर आपका जो छोटा सा कमरा है या बहुत बड़ा कमरा है या मल्टीपल रूम्स है या मल्टीपल फ्लोर्स है, सब में एक रूम का आ गया, बाकी का वैसे ही प्रोसीजर तरीके से, यही प्रोसीजर से आगे करना है। सीलिंग एक है 10x10 की, ये लंबाई 10, ये भी 10, इसमें विथ होगी। देखो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये सीखना है आपको। भलती मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहीं भी लिख देंगे क्या भाई, लेंथ वाले डायमेंशन में लेंथ का ही लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर विथ नहीं है तो कुछ नहीं लिखा, डैश कर सकते हो या उसको ब्लैंक रह सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला शीट्स है ना, तो ये बहुत ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर फॉर्मूला शीट आपको बनाना आ गई ना, फिर यहीं पर वैल्यू चेंज करनी है भाई। बाय डिफॉल्ट ये तो आता जाएगा क्वांटिटी, बाय डिफॉल्ट ये भी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी फॉर्मूला शीट अगर आपको बनाना आ गई तो। सीलिंग टोटल प्लास्टर वर्क सीलिंग का भी आ गया टोटल, हाँ ये तो सीलिंग का पहले तो 400 था, सीलिंग का 10x10 100, तो टोटल प्लास्टर वर्क अगर आपको फॉर्मूला शीट बनाना आ गई ना तो आपको ये वैल्यूज ही चेंज करनी है। और एक बार अच्छे से सीख लो, अगर आप कहीं पर एस्टिमेट वगैरह बार बार कर रहे हो तो फ़ायदा क्या होगा पता है आपको, फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। मतलब एक बार आपने अच्छे से सीख लिया, बना लिया, एक दो बार मेहनत लगेगी भाई, ये इतना आसान भी काम नहीं है, खास करके जो फ्रेशर से नए लोग हैं तो उनको एक बार टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये बना लिया ना, फिर आप जितने भी एस्टिमेट करोगे उसमें आपको यहीं पर वैल्यूज चेंज करनी है, फाइनल क्वांटिटी फटाफट से निकल कर आ जाएगी। तो आगे आपको जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है उसमें ओवरऑल आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये सीख लेना और खुद का एक कलेक्शन रखो यार, अपने लैपटॉप वगैरह में है ना, और लैपटॉप नहीं हो तो खरीद लेना प्लीज़ यार, लैपटॉप ही खरीदना, कंप्यूटर मत खरीदना। हमारा काम क्या है, आज मेरे को यहाँ काम करना है, कल मुंबई में काम करना है, परसों वहाँ काम करना है। सो यू शुड हैव लैपटॉप, और लैपटॉप में आपका एक कलेक्शन होना चाहिए, फाइल का कलेक्शन, इंपॉर्टेंट फाइल का, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और बहुत सारी चीज़ें तो हम ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? तो वो अच्छे से रखो अपने उसमें, और मैं चाहता हूँ, और इसीलिए हमने डाउनलोड ऑप्शन भी दिया है। मुझे पता है कि लोग यहाँ वहाँ सर्कुलेट करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर कोई लर्निंग पर्पज़ से करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जेन्युइनली बताऊँ, ठीक है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी टीम ने बहुत बार बोला कि सर आपका कंटेंट वहाँ शेयर हो रहा है, वहाँ शेयर हो रहा है, वहाँ शेयर हो रहा है, तो फिर हमने उस पर लीगल एक्शंस वगैरह भी लिए हैं, और हमने एक लीगल डिपार्टमेंट रख दिया है कि भाई तुम देखते रहो, ये छोटे मोटे लोग तो आते रहेंगे। लेकिन मेरा डाउनलोड ऑप्शन देने, कोई भी चीज़ के डाउनलोड ऑप्शन देने से प्राइवेसी का जो होता है वो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि चलो भाई अगर 100 लोग हैं और अगर 90% लोग लर्निंग पर्पज़ से डाउनलोड करते हैं, सो आई विल नॉट केयर अबाउट 10%। 90% लोग अगर डाउनलोड करते हैं लर्निंग पर्पज़ से, सो वो हमारे लिए ज़रूर, और वही पर्पज़ है, मन डाउनलोड ऑप्शन देने के पीछे पर्पज़ ही यही है कि ताकि बंदा उसको आराम से डाउनलोड करके अपने लर्निंग पर्पज़ से इस्तेमाल करे, अपने कंस्ट्रक्शन पर्पज़ से इस्तेमाल, उसको बेचे नहीं, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने ये, हाँ मैं ये बोला था कि आप अपने लैपटॉप वगैरह के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फाइल्स का एक वो बना दो, फोल्डर बना दो, उसका बैकअप भी लेते रहना, डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जो फोल्डर होगा ना वो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर जो हमने बात की ये बहुत बेसिक थी, बहुत आसान थी, और सभी के लिए जितनी भी चीज़ें होगी
जहाँ पर प्लास्टर वर्क करना है, इसमें आप इस तरीके से ही प्रेजेंटेशन करो, अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम डिडक्शंस की बात करें। ऑब्वियस बात है कि अभी तक हमने डिडक्शंस नहीं किया है। सो डिडक्शंस में एक हमने 3x7 का एक दरवाज़ा ले लिया है और एक 4x4 की विंडो ले ली है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि आपको डिडक्शन रूल्स पता होने चाहिए, और जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स का ख्याल है, मैंने डिडक्शंस रूल्स के जो 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स है कि कब डिडक्शन नहीं होगा, कब डिडक्शन होगा, कब डिडक्शन कितनी मात्रा में होगा, ठीक है, वो सारी जो इम्पोर्टेंट रूल्स है मैंने IAS कोड के रेफरेंस से बता दिए हैं। किसी को IAS कोड पता है कमेंट करो ताकि मुझे पता चले आपको पता चल गया है। अगर किसी को डिडक्शन रूल्स नहीं पता, मैंने बता दिया पहले वीडियो में बता दिया इसने, इसीलिए सीक्वेंस में देख कर आना। आई थिंक मैंने साइट इंजीनियरिंग वाले में बताया है, कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट वाले में बताया है, क्वांटिटी सर्विंग में भी कहीं ना कहीं मैंने इसके बारे में बता दिया है। तो डिडक्शन रूल, और अगर आपको पता है कि 3x7 21 होगा, कितना होगा 21, लेकिन इसकी डिडक्शन क्वांटिटी देखो 10.5 स्क्वायर फीट है, 10.5 स्क्वायर फीट है। अगर किसी को डिडक्शन रूल नहीं पता तो आओ फिर मैं बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर 7 और 3 तो 21 होता है, आपने यहाँ पर 10.5 क्यों लिखा, क्योंकि 0.5 का फैक्टर क्या है। तो मैं आपको IAS कोड के रेफरेंस से बता ही देता हूँ यार, फिर बहुत सारे लोग कमेंट में फिर बताएंगे सर ये अधूरा लेक्चर है, सर नहीं समझ में आया, तो इससे बेटर ये है कि मैं आपको समझा ही देता हूँ डिडक्शन रूल के बारे में। और किसी को पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, वो IAS वाले पार्ट को स्किप कर सकता है, उसको पता ही होगा कि यहाँ पर 0.5 हमने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डिडक्शन रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, इसमें प्लास्टरिंग वर्क के लिए सबसे पहला लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि कोई भी ओपनिंग वगैरह है वो आपको अगर लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर से कम छोटा है, जैसे कि भाई 0.5 छोटी छोटी वेंटिलेशन वगैरह होती है ना, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। सेकेंड रूल है मोर देन 0.5 मीटर स्क्वायर एंड लेस देन 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो फीट में नहीं बात करिए, अब कोई सोचेगा सर यहाँ तो 7x21, ये 21 क्या है, फीट स्क्वायर फीट है, लेकिन यहाँ पर जो रूल है मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, एक ब्रीफ तरीके से लिख देता हूँ, चलो मैं एक ब्रीफ अंदाज में यहाँ पर लिख देता हूँ डिडक्शन रूल। और इसको रेफर कहाँ कर सकते हो भाई, IS 1200 Part 12 3.8 में लगभग आपको मिल जाएगा ये, IS Indian Standard 1200 Part 12 3.8। हाँ तो मैं यहाँ पर आपको ये जो 3 फंडामेंटल रूल्स हैं इसमें बहुत सारे लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। पहला रूल देखो, खास करके डायमेंशंस मीटर स्क्वायर में उसको याद रखिए, ठीक है। पहला रूल क्या है भाई, लेस देन 0.5, इसको नोट डाउन करना भाई, ये वैल्यूएबल चीज़ है, जितने भी क्वांटिटी सर्विंग यहाँ पर सीखने आए हैं तो इसको नोट डाउन जरूर से कर ले, लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर। सो इसमें हम लिखेंगे नो डिडक्शन, नो डिडक्शन कहाँ मिलेगा, IS 1200 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट नंबर 2, मोर देन 0.5 मीटर स्क्वायर, मोर देन 0.5 मीटर स्क्वायर एंड लेस देन 3 मीटर स्क्वायर एंड लेस देन 3 मीटर स्क्वायर। अगर ये केस है तो इसमें 50% डिडक्शन होगा, इसमें 50% डिडक्शन होगा। इसमें आपको 50% डिडक्शन देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मोर देन 3 मीटर स्क्वायर, मोर देन 3 मीटर स्क्वायर 100% डिडक्शन,
100% रिडक्शन। ये तीन इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको लिखवा दिए, आप आईएस कोड जरूर से रिफर करिए भाई, और आईएस कोड डलवा भी देना है इसमें, IS 1200 इस वाले पोर्शन में, इसी लेक्चर के अंदर में ऐड कर देना IS 1200 पार्ट 12, ये लेक्चर के नीचे पीडीएफ में होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख दूँ तो आगे आप लोगों के लिए इजी रहे, IS 1200 यहाँ पर ऐड होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को डाउनलोडेबल मिलना चाहिए ताकि यहाँ वहाँ सर्च ना करना पड़े। उसमें लगभग 3.8 है ऐसा, वहाँ पर आपको क्लॉज में आपको मिल जाएगा। ये डिडक्शन के तीन रूल्स हैं, ठीक है। अब हमारी कहानी में फिर रिटर्न होते हैं, हमारी कहानी में जब रिटर्न हो गए तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो ओपनिंग है, खास करके हम दरवाजे की पहले बात कर लेते हैं, तो 3 × 7। आप बोलोगे क्या बोलोगे सर, ये तो 21 है, 3 से ज़्यादा। मेरे भाई ये 21 है ना, 21 किस में है, ये 21 स्क्वायर फीट है किस में। चलो हमारा जो दरवाज़ा है मेरे दोस्तों, ये हमारा दरवाज़ा 21 स्क्वायर फीट का है, 21 स्क्वायर फीट। हमारे पास जो क्लॉज बना हुआ है वो किस में है, मीटर स्क्वायर में है ना, किस में है, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। अब 21 स्क्वायर फीट को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा भाई, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम सभी को पता है ना, अब ये अगर तुमको नहीं पता ना यूनिट कन्वर्जन, तो फिर तुम मेरे लेक्चर में बैठो ही मत यार, क्योंकि मैंने हर बार तुमको इतनी बार यूनिट कन्वर्जन के सारे छोटे छोटे फंडामेंटल भी सिखाए हैं, छोटे छोटे सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर फीट वाले तो कितनी बार आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो यार, जिसको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता भाई मेरे लेक्चर में नहीं आएगा अब से, क्योंकि 50 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करना, लगभग हो जाएगा 10.76 स्क्वायर फीट। 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है भाई स्क्वायर फीट में, 1 मीटर स्क्वायर स्क्वायर फीट में कितना होगा, 10.76 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों अगर मैं यहां पर डिवाइड बाय क्या करूं, हमारा 21 स्क्वायर फीट आया ना, तो 21 स्क्वायर फीट को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, 21 स्क्वायर फीट कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, कितना होता है जल्दी जरा फटाफट से देखो, 21 स्क्वायर फीट हो जाएगा 1.9516 मीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, तो हमने क्या किया, 21 स्क्वायर फीट का जो हमारा दरवाजा था उसको 1.9516 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सभी को दिख रहा होगा यानी कि अब ये कौन सी रेंज में आ गया भाई, ये 1.95 ये कौन सी रेंज में है, तो 1.95 ये यहां पर जाएगा, हाँ ये वाली रेंज में दोस्तों। क्यों, मोर देन 0.5 मीटर स्क्वायर एंड लेस देन 3 मीटर स्क्वायर, मोर देन 0.5 मीटर स्क्वायर एंड लेस देन 3 मीटर स्क्वायर, इस रेंज में जाएगा। तो इस रेंज में तो क्या लिखा हुआ है, 50% डिडक्शन करना है, यानी जो भी डिडक्शन का अमाउंट है उसका आधा। 50% से क्या मतलब होता है, जो भी डिडक्शन आपको करना है उसका आधा, 50% जो भी डिडक्शन करना। अब पता चला यहाँ पर 0.5 क्यों है, हैं? अब पता चला यहाँ पर 0.5 क्यों है, अब सभी को क्लियर हो गया होगा यार। अब तो अगर कुछ डाउट है तो फिर मैं क्या बोलूँ तुमको, अब अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैं क्या ही बोलूँ यार। सो 3 × 7 21 हो जाएगा, 3 × 7 21, 21 स्क्वायर फीट है, मीटर स्क्वायर नहीं है, 21 डिवाइड बाई 10.76 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.95, जो के हमारे रूल नंबर 2 में लाई करता है 50% डिडक्शन। और जब रूल नंबर 2 में लाई करता है तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई किया, 0.5 वाला, 0.5 वाला फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया।
जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई इक्कीस, इक्कीस का आधा कितना होगा भाई, साढ़े दस, बीस का आधा दस और एक का आधा पॉइंट फाइव, तो साढ़े दस होगा। साढ़े दस किस में होगा, स्क्वायर फीट में होगा। विंडो चार बाई चार की है, चार बाई चार तो सोलह होता है, सोलह डिवाइड बाई टेन पॉइंट सेवन सिक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, सोलह डिवाइड बाई टेन पॉइंट सेवन सिक्स, वन पॉइंट फोर एट सिक्स हो जाएगा। जो भी किसमें लाई करता है यार, 1.486 जो भी है वो यही रेंज में लाई करते हैं, 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। इसमें भी हमने क्या कर दिया भाई, इसमें भी मेरे दोस्तों हमने 0.5 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 16 का आधा हो जाएगा 8 स्क्वायर फीट। ये टोटल डिडक्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, टोटल डिडक्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 18.5 स्क्वायर फीट हमारे पास मौजूद है। एक्चुअल प्लास्टर वर्क 500 माइनस 18.5 481.5 स्क्वायर फीट। ये क्या मिला, अरे ये तो नेट प्लास्टर एरिया में बोल सकता हूं 481.5, क्या बोल सकता हूं मैं, नेट प्लास्टर एरिया बोल सकता हूं 481.5। चलो मजा आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 481.5 स्क्वायर फीट, यहां पे डिडक्शन इज इक्वल टू लिख दिया भाई, ये किससे बना है कॉन्टेक्ट, डिडक्शन नहीं यार, ये डिडक्शन थोड़ी है इतना लंबा, इट शुड बी एक्चुअल प्लास्टर वर्क, यहां पे क्या आना चाहिए, एक्चुअल प्लास्टर वर्क है, दिखा तो है एक्चुअल प्लास्टर वर्क हो रहा है, ये और ये 481.5 यही तो है, इट शुड बी एक्चुअल प्लास्टर वर्क 481.5 स्क्वायर फीट। वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा भाई, थिकनेस को मल्टीप्लाई करना होगा, थिकनेस अब यहाँ पर हम 12 एमएम का प्लास्टर ले रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है भाई, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया तो हमारे पास स्क्वायर फीट में है और थिकनेस एमएम में है, तो क्या करना पड़ेगा, अरे कन्वर्जन करना पड़ेगा यार, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सो दिस इज द कन्वर्जन। एक इंच होता है 25.4 mm, 12 mm कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लिखा है क्या, 0.5 और फिर डिवाइड पर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अगर किसी को नहीं समझ में आया कि ये एमएम को कैसे कैसे करेंगे, ये पहले सिखा दिया नहीं सिखा दिया, एक इंच 2.54 सेंटीमीटर, एक फुट 12 इंच, है ना, फुट सिंगुलर है, बहुवचन में फीट बोलेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2.54। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक फुट हो जाएगा सेंटीमीटर में कितना होता है भाई, या मैंने पहले भी लिखा था अगर आपको याद हो तो 3.28 मीटर, वही आ जाएगा, अच्छा वहां पर 1 मीटर का था ना, सो 1 फुट हो जाएगा, या 1 फीट बोल दो, 0.3048 मीटर। कुछ नहीं करना, अगर तुमको ये रिलेशनशिप भी पता है ना तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3.28 आपको क्या पता है यहां पर, फीट पता है, तो इसका उल्टा कर दो तो इसका उल्टा यहां चले जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 3.28 करोगे ना तो भी आंसर मिल जाएगा, देखो 1 डिवाइड बाई 3.28 करोगे तो भी यही मिलेगा 0.3048, 1 फीट या 1 फुट 0.3048 मीटर। अब अपने पास ये तो मिल गया, अब अपने पास क्या है, 12 mm है, इसको मेरे को mm में कन्वर्ट करना है तो क्या बोल सकता हूँ मैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1 फीट या 1 फुट
1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 304.87 mm के बराबर हो जाएगा। मेरे पास कितना है 12, तो 12 mm कितने फीट के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 300। ये मैं जानबूझ के पूरा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे को पता है आपका लेवल, अब मुझे पता चल गया यार, कमेंट देख के मेरे को लेवल पता चल गया। 0.03936 12 mm कितना होगा भाई, 0.03936 किस में आएगा ये आंसर, फीट। क्या ये अप्रोक्सीमेटली 0.04 के बराबर है, नहीं है क्या ये अप्रोक्सीमेटली 0.04 के बराबर है, 3936 अप्रोक्सीमेटली 0.04। भाई यही कहानी हमने फटाफट से कहाँ लिखी है यार, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको करवा दी है, सही बताऊँ फ्लो फ्लो में मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ करवा दी। नोट डाउन करो यार, सीखो सीखो। तो यही कहानी जो मैंने आपको इतनी लंबाण में समझाई, यही कहानी शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिखी हुई है, लिखी हुई नहीं लिखी हुई यार, ये यही कहानी शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिखी हुई, 0.04 फीट। क्यों किया, हमारे पास एरिया स्क्वायर फीट में था, थिकनेस हमारे पास अब फीट में आ चुकी है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पता चल जाएगा कितना क्यूबिक फीट का काम है। तो 481.5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 19.26 क्यूबिक फीट का काम है, प्लास्टर वॉल्यूम 19.26 क्यूबिक फीट, प्लास्टर वॉल्यूम 19.26 क्यूबिक फीट। अब इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, कोई भी क्वांटिटी आप निकाल रहे हो तो देख लो भाई ये क्वांटिटी किस में निकली हुई है। तो ये क्वांटिटी जो हमने निकाली है भाई ये किस में है, हाँ ये तो है दोस्तों वेट। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन जरूरी है, देखो अगला स्टेप अपना यही है, ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा भाई, आप सभी को पता है 1.33 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो और जो हमारे रूल्स वगैरह है वो भी आपने सीखे होंगे, कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी आपने सीखा होगा, मतलब ओवरऑल काफ़ी वैल्यूएबल चीज़। तो 19.26 के साथ 1.33 का फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आ जा रहा है 25.61 क्यूबिक फीट। सीमेंट और सैंड, अब ये मिल गया लेकिन ये प्लास्टर में होता क्या, अल्टीमेटली प्लास्टर में क्या होता है, सीमेंट और सैंड, अब उसकी क्वांटिटी निकालनी है। एक पार्ट है सीमेंट का, 6 पार्ट है हमारे पास किसके, अच्छा ये जनरल है, जनरल रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जनरल रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, 1.4 भी, 1:4 भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है, 1:2, जैसा कि मैंने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है कि अलग अलग रेशियो, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको क्या समझाई थी पता है ना, वो सीलिंग वाला प्लास्टर कैसे स्ट्रांग होता है, रेशियो वगैरह एक पार्ट, वो 100 रुपये का एग्जाम्पल से समझाई थी, बहुत वैल्यूएबल थी वो बात। चलो तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर 1:6 का एक रेशियो ले लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्ट सीमेंट का और 6 पार्ट सैंड के, टोटल 7 पार्ट हो गए। अब क्या करना है भाई, सिंपल, अगर सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है सो जो हमारी ओवरऑल क्वांटिटी है उसका कितना भाग है, 1/7 उतना भाग है सीमेंट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/7, क्योंकि एक पार्ट सीमेंट का टोटल 7 भाग में से, तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया, 3.6। और ये कैसी चीज़ है, ये ड्राई क्वांटिटी है ना, और लेकिन सीमेंट तो क्यूबिक फीट में मिलती नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा बैग में। अब ये कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको सही बताऊं तो मैं लगभग 50 बार तो सिखा चुका हूँ 50 बार से ज़्यादा सिखा चुका हूँ मैं। अब वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम से डेंसिटी मल्टीप्लाई करनी है, उससे वेट मिलेगा, वेट से आपको फिर क्या मिल जाएगा, वेट से फिर आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं यार, बैग, नंबर ऑफ बैग। अच्छा इसका उल्टा रास्ता भी करना हो, देखो आप सोचोगे कि सर ये 3.6594 ये तो क्यूबिक फीट में, मीटर क्यूब में नहीं है, तो मैं 1440 मल्टीप्लाई करूं, नहीं करूं मैं, यहां पर एक अप्रोच लिखा गया है 50 किलोग्राम में 1.23 क्यूबिक फीट होती है, सीमेंट वाले लेक्चर में मैंने इसको क्लियर कर दिया है,
लेकिन फिर भी अगर किसी को 1440 मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, 3.6594 जो है ये क्या है? बहुत यूनिट कन्वर्जन सीख रहे हो भाई आप इस लेक्चर में। 3.6594 ये क्या है भाई? क्यूबिक फीट है हाँ, और एक मीटर क्यूब कितने CFT होता है? 35.314 क्यूबिक फीट। तो अगर मीटर क्यूब में जाना है तो क्या करूँगा मैं? मीटर क्यूब में जाना है तो मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं क्या करूँगा, 3.6594 डिवाइडेड बाई 35.314, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा किस में, मीटर क्यूब में। वही कर दो फिर 1440 मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1036 मीटर क्यूब मेरा आंसर आ गया, 0.1036 मीटर क्यूब। अब तुम्हारा जो आंसर है वो मीटर क्यूब में आ चुका है। अब जो 1440 वाली जो बात है जो मैं आपको 50 बार सिखा चुका हूँ, वही बात यहाँ पर भी आ जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्टली बैग लिख दिया, चलो बैग तक हम पहुँच जाते कोई बात नहीं। अब इसको 1440 से मल्टीप्लाई करो, ये सीमेंट आ गई वॉल्यूम में, 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1036 मल्टीप्लाई बाई 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ किलोग्राम बचेगा, तो ये लगभग मेरा आ गया 149, लगभग 150 मान लो क्या? अरे किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, 150 मान लो तो सीधा हिसाब है भाई, 150 किलोग्राम मतलब कितना हुआ, 3 बैग। अरे सीधा हिसाब है यार, 1 बैग 50 का तो 150 कितने के, 3 बैग। जबरदस्त चीज है नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज, सीधा हिसाब है, 3 बैग आए, देख लो यही बात हमने यहां पर घुमा फिरा के यहां लिखी है, क्या लिखा हुआ ये, 3 बैग है ना ये, मैं 3 बैग है ना, हाँ 3 बैग ही दिख रहा है ना, चलो बढ़िया। ये सीमेंट की क्वांटिटी यार, और हमने यहां पर वही बात की है किस तरीके से यार ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, और पूरी प्रोसेस में देखो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपके पास लिखने के लिए पेन है, चलाने के लिए दिमाग है, और आपके पास कैलकुलेटर है, तो भाई एक इंजीनियर को कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं यार हम, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, जेन्युइनली हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सीमेंट के 3 बैग आ गए दोस्तों, सीमेंट के क्या आ गए, 3 बैग। सेंड रीति, रीति की बात कर देते हैं, रीति की बात करें तो क्या ही बात करें, 6 पार्ट इसके हैं, तो 6 डिवाइड बाई 7, आउट ऑफ 7 6 पार्ट सैंड के, और 25.61 ये हमारे पास टोटल 25 पॉइंट यही आ रहा था ना, हाँ यही है 25.61, 21.95 आ जाएगा। फिर मैंने आपको चेक भी बताया था, देखो ये 21.95 और 3.658 करोगे तो वो आ जाएगा, 25 वाला आंसर आ जाएगा। क्रॉस वेरीफाई आपको करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखो ये आएगा 25.61 आ गया, 3.658 इसको और 21 क्रॉस वेरीफिकेशन आप कर सकते हो, तो 6 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 25.61 21.9 CFT में है, ये कौन सा कन्वर्जन यहाँ पर लगाया है, 0.857 ये तो डायरेक्टली, अच्छा ये 6 डिवाइड बाई 7 का लिखा हुआ है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस इज नथिंग बट 6 डिवाइड बाई 7, दिस इज नथिंग बट 6 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 6 डिवाइड बाई 7 को ही 25.6 जो कि टोटल क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई किया गया है, सो फाइनल हमारे पास सेंड आए, ये हो गया यार, प्लास्टर की क्वांटिटी निकल गई, एक्सेल शीट में आ गई, बहुत सारा यूनिट कन्वर्जन देख लिया, डिडक्शन रूल देख लिया, बहुत सारी चीज़ें समझ ली, एक्सेल शीट हमारे लिए ज़रूरी है ये मैं शुरुआत में बता दिया। ओवरऑल काफ़ी वैल्यूएबल लेक्चर्स था हमारे इंजीनियर्स दोस्तों के लिए, हमारे लर्नर्स जो भी बंदे सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें, सो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को मिली होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी PDF आपको कोर्स में मिल जाएंगी उम्मीद करते हैं, इसकी भी डिजिटल नोट्स पूरी की पूरी मिल जाएंगी। अब ब्राइटनेस थोड़ी हम बढ़ा देते हैं और आप जा सकते हो, ठीक है, आप सीख लिया आपने, अब आप जा सकते हो
और जिन्होंने भी ये लेक्चर देखा है ना यार, उनको मैं बस इतना ही बोलूँगा, बस दो लोगों को लेक्चर बता दो, सिर्फ दो स्टूडेंट को, दो दोस्तों को ये लेक्चर बता दो कि यार हमने इस लेक्चर से ये सीखा है, क्या तुम भी सीखना चाहते हो? तो सीखो, जुड़ो, बहुत सारी चीज़ें हम आगे भी सीखेंगे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आने वाला है कोर्स, सॉफ्टवेयर के ऊपर कोर्सेस आने वाले हैं, लाइव ट्रेनिंग आने वाली है, ऑन साइट ट्रेनिंग भी आने वाला है। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही, तो हमारे साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जुड़ जाइए। सिखाने की गारंटी हमारी है, आपकी जुड़ने की गारंटी मेरे को चाहिए और आपका वक्त चाहिए। सीखा हम जरूर से देखें। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों कोर्स में एनरोल करने के लिए आप सभी को पता होगा हमारी वेबसाइट है simplifiedacademy.com के नाम से। क्या नाम है दोस्तों? simplifiedacademy.com, आपको यहां पर दिख रहा होगा simplifiedacademy.com। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू कोर्सेज पर। किस पर क्लिक करना है? यहां पर ऑल कोर्सेज है लेकिन उस पर क्लिक नहीं करना, न्यू कोर्सेज। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, न्यू कोर्सेज पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे और यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहला दिखेगा एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये खुल जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा और यहां पर दोस्तों आपको बाय पैकेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, बाय पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे भी आपको जाएगा, इसमें आप पैकेज के अंदर देख सकते हो ऑटो कैड है, बहुत वैल्यूएबल स्किल है, बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत वैल्यूएबल स्किल है, क्वांटिटी सर्विंग बहुत वैल्यूएबल स्किल है। सारे के सारे दोस्तों कोर्सेज क्या, सारे का सारा पैकेज दिखना चाहते हो, 10 कोर्सेज कौन सा हमने दिए हैं, तो सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो। रिव्यूज़ भी काफ़ी बढ़िया है और अगर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर देख सकते हो। बाय कैसे करना है? तो जैसा कि मैंने कहा कि बाय नाउ वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी भी हो तो कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन ये दिवाली खुशियों वाली थी होगी, लेकिन ये दिवाली सीखने वाली भी होगी, ये दिवाली सीखने वाली।